में किया? मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ऐसे कब कहा मैंने? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा सच्ची। बट मुझे तो कुछ और अच्छा लगा। क्या? तुम्हारी प्यारी सी स्माइल। तुम्हारी स्माइल दुनिया की सबसे खूबसूरत स्माइल है परी, द बेस्ट स्माइल इन द वर्ल्ड। तुम्हें पता है, जब भी तुम्हारे चेहरे पे सैडनेस आती है ना, मैं खुद सैड नहीं, आज ना हम ये सैडनेस की बातें करेंगे ही नहीं, आज हम सिर्फ प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आफ्टर ऑल इतने टाइम बाद जो मिले। इतने टाइम बाद? आई मीन कोई ना कोई होता है हमारे आसपास जब भी हम दोनों साथ होते हैं, बट आज हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं है। आज हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो शुरू करें डिनर डेट। तुम्हें पता है, ये सारी डेकोरेशन खुद मैंने अपने हाथों से की है तुम्हारे लिए। एक बात पूछो। तुम्हें क्या? 100 बातें पूछो, सबका जवाब दूंगा। तुम सच में मुझे पसंद करते हो? नहीं, हम पसंद तो बहुत लोगों को करते हैं भाई, लेकिन उन बहुत लोगों में तुम नहीं आते। बिकॉज यू आर वेरी स्पेशल, क्योंकि तुम वन एंड ओनली मेरी परी हो। और तुम्हें सिर्फ मैं पसंद नहीं करता, बल्कि तुमसे बहुत सारा प्यार करता हूं, इतना सारा। परी, आई लव यू परी, आई लव यू सो मच। खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, और बहुत जी लिए उलझी हुई जिंदगी, सब कुछ सुलझाना चाहता हूँ। और तुम्हें तो पता है, मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ सुलझ सकती है। तुम ये सारी सजावट देख रही हो परी, ये सब कुछ मैंने खुद अपने हाथों से किया है, दिल से किया है। एक एक चीज प्यार से सजाई है, बस वैसे तुम्हारी जिंदगी अपने प्यार से सजाना चाहता हूँ। भूख लगी है? डिनर, मुझे तुझे मैं जान से मार डालूंगी।
हिम्मत कैसे हुई मेरे संजू के साथ कैंडल लाइट डिनर करने की? ओफो नीति, सिर्फ एक रात की तो बात है, ठंड रख बेटा। अरे इस रात के बाद तो संजू के साथ ही तेरा डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच होने वाला है। और वैसे भी परी तो तेरी दोस्त है ना, जी लेने देना एक दिन उसे अच्छे से। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि वो अपने कमरे में है भी या नहीं, लेकिन यहाँ पर तो पार्टी चल रही है। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है, लेकिन क्या करूँ, शादी से पहले उस गुस्से को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ताई जी, आपने दवाई ली? ताई जी, क्या हुआ, क्या सोच रहे? परी के बारे में ही सोच रही हूँ, पता नहीं कैसी होगी वो। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, कॉल करके पूछ लीजिए। पिछले 3 दिनों से वही तो कर रही हूँ, बार बार कॉल करके संजू से पूछ रही हूँ परी कैसी है। अब तक तो वो मुझसे परेशान ही हो गया होगा। परी की तबीयत ठीक नहीं है तो संजू का दिल भी तो दुखी है ना। आप बात तो सही कह रहे हो, सही में कॉल करोगे तो परेशान तो हो ही जाएंगे। रहने दो, कॉल मत करो। एक बार कॉल करके देख ही लेती हूँ। ताई जी का फोन, तुम्हें पता है ताई जी ने तुम्हें बहुत याद करी थी। एक काम करते हैं, ताई जी को सरप्राइज देते हैं, फोन काट देता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना संजू मुझसे परेशान हो गया है, कॉल ही काट दिया उसने। अब कैसे पता चलेगा? ताई जी वीडियो कॉल है। किसका? संजू का। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? परी पुत्र, तेरी तबीयत ठीक है? मैं एकदम अच्छी हूँ ताई जी। रब का लख लख शुक्र है कि तू ठीक हो गई है। बड़ा दिल कर रहा है तुझे गले लगाने का पुत्र। एक बारी तुझे गले लगा लूँ ना, तब जाकर मुझे चैन आएगा। तू कब आ रही है? बस कल ही आ रही हूँ आपके पास। जल्दी जल्दी आ जाओ पुत्र, कल शाम की माता रानी की आरती ना हम एक साथ करेंगे। हाँ, अपना ख्याल रखना पुत्र। डोंट वरी ताई जी, मैं हूँ परी का ख्याल रखने के लिए। और कल सुबह हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, आपकी परी को आपके पास सही सलामत पहुँचा दूंगा मैं। हाँ पुत्र। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जल्दी करना नीति, अब यहाँ से ही इतना लेट निकलेंगे तो फिर कब? क्या कर रही थी अंदर, क्यों अटक गई? आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ। सब तो पैक हो गया था ना तेरा, फिर क्या हो गया था? ये क्या है, इसका क्या कर रही तू? पर ये अभी भी टाइम है, तुम्हें ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। आई नो, मैं तुम्हें एक ही चीज बार बार बोले जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मैं एक ही चीज तुम्हें बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ना तो कोई मेरी बात समझ पा रहा है, ना तो मैं किसी को कुछ समझा पा रहा हूँ। किसी को ये तक नहीं बता पा रहा हूँ कि कल पूरी रात मैं सो नहीं पाया था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, अजीब सा डर था परी। कैसा डर? क्योंकि तुम मुझसे दूर जा रही हो हमेशा के लिए। हमेशा के लिए दूर जाना ही पड़ेगा परी को हमारी जिंदगी से। बहुत खेल ली वो मेरी फीलिंग्स के साथ, बस अब आठ है। जब ये चलेगी लोगों को तो इसकी आवाज से पता चल जाएगा ना कि तूने परी को। बेबे कितने स्वीट हो आप, इतनी फिक्र है आपको मेरी? हाँ ना। डोंट परी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं साइलेंसर लगा के चलाऊंगी इसे। क्या लगाकर? साइलेंसर मतलब गन चलेगी, लगेगी भी और परी मरेगी भी, बट आवाज नहीं आएगी। ये तो अच्छी बात है, ठीक है ना? चलिए फिर, जाने का वक्त हो गया है, अब मुझे कहीं नहीं जाना। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहूंगी। पक्का? श्योर? हाँ, जब तक मेरी जान में जान है मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। ऐसे मत कहो परी, और मुझे प्रॉमिस करो कि हमेशा तुम मेरे साथ रहोगी, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, प्रॉमिस करो। ओए रब्बा, इश्क के बीच मिल दिया।
नित सदा प्रॉमिस। पुत्र अले सामान रख दे डिग्गी में, 7-8 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में, जल्दी कर बेटा देर हो जाएगी। अले रख दे, दे दे सामान। परी जो होना था हो चुका, अब सब ठीक होगा। इस घर की इस सारी मुसीबत आज खत्म हो जाएगी। जल्दी ही परी की जिंदगी और संजू और परी की लव स्टोरी खत्म हो जाएगी। बस माता रानी का आशीर्वाद रहे, इस दर्शन यात्रा में माता रानी नीति का असली चेहरा सबके सामने लाएंगे। आज सबके सामने नीति का असली चेहरा आ जाएगा। इसका ऐसे गिरना, जरूर कुछ अपशकुन है, कुछ तो होने वाला है। मैंने तो पहले से ही डर लग रहा है। फोन कितने हैं? भाई जी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ बुरा होने वाला है। क्या क्या कह रहे हो आप ये? मेरा फोन किथे है, मुझे अर्जेंट कॉल करनी है। आपका फोन, रुको मैं ढूंढती हूँ। कहाँ रख दिया मैंने? होगा यहीं कहीं होगा ताई जी, रुको तो। हाँ ये लो, ये मिल गया। संजू से पूछती हूँ। ताई जी का फोन उठाना और स्पीकर पे डालना। हाँ जी ताई जी। हेलो पुत्र, तू ठीक है? परी ठीक है ना? हाँ ताई जी, परी बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों साउंड कर रहे हो? सब ठीक है ना? ज्यादा सवाल मत कर, परी नो फोन दे। सत श्री अकाल ताई जी। ताई जी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं हुआ है। और अब मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि वो आपकी घबराहट को खत्म कर दे और आपको शांति और सुकून दे, ताकि आप वहाँ अपना काम अच्छे से कर सको। और आप टेंशन क्यों ले रही हैं? आजीव है ना मेरे साथ, तो फिर मेरे साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग वहाँ आराम से और टाइम से पहुँच जाएंगे। तुम सब तो आ जाओ, लेकिन मैंने वो नीति यहाँ नहीं चाहिए। रजाई जी कैसी बातें कर रही हैं आप? सही कह रही हूँ, मैं नहीं करवानी मुझे संजय और नीति की शादी। रोकना है मुझे ये सब, इसलिए तुम लोग जहाँ भी हो ना वहीं से वापस लौट जाओ। और बाकी सबसे भी कह दो कि मुझे घर पे मिले, वहाँ आकर मैं सबसे गल करूंगी। सुन रहे हो ना ताई जी आप ये सब? राजीव गाड़ी साइड में लगाओ ना, आराम से बात करते हैं। ताई जी मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, एक सेकंड। क्या हुआ ताई जी? यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। अरे मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ ताई जी अब बताइए आप क्या कह रहे थे? मेरी गल ध्यान से सुनो, मैंने फैसला कर लिया है, संजू और नीति की शादी मैं नहीं होने दूंगी। और परी तुम कुछ भी बोल, तेरे कहने से या किसी और के कहने से भी ना मैं अन्याय नहीं होने दूंगी। पहले से ही बहुत गलत हो चुका है, नीति के वजह से मैं सबके साथ गलत नहीं होने दूंगी, समझी तू? जब IVF हो रहा था उसने अपनी मर्जी से करवाई थी ना वो IVF, उसे पता था ना कि लोग क्या करेंगे? अगर उसे समाज की इतनी चिंता होती ना, सबसे पहले वो हमसे गल करती है सब कुछ करने से। लेकिन उसने ऐसे नहीं किया, इसका मतलब यही हुआ ना कि उसने जो कुछ भी किया सोच समझ कर जानबूझ के किया। और तू ये चिंता अपने दिल से निकाल दे कि समाज के डर से वो अपने आप को कुछ करना बैठे। लोगों के तानों के डर से ना वो मरने वरने वाली नहीं है। लेकिन ताईशी फिर भी तेरी और उसकी वजह से मैं एक फैसला ले रही हूँ। हम अब चंडीगढ़ या पिंड में नहीं रहेंगे, हम किसी ऐसी जगह जाकर रहेंगे जहाँ पर कोई भी हमें नहीं जानता। नीति को ये बच्चा पैदा करना है ना, तो वो समाज से दूर ऐसी जगह जाकर पैदा करेगी जहाँ उसे कोई नहीं जानता है, और फिर उस बच्चे को हमें सौंप देगी, हम उस बच्चे को अपना लेंगे। ये शादी वादी कुछ नहीं होने वाली, बस कल खत्म। प्रजाई जी एक मिनट बता रहा। प्रजाई जी तुम्हारी गल ना बिल्कुल सही है, पर तरीका ना थोड़ा सा गलत है। मैं कह रही हूँ कि क्यों हमें समाज से दूर जाना है, मैं क्या कह रही हूँ कि हम ना एक काम करते हैं, जैसा हो रहा है ना वैसा होने देते हैं। हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जब आए गए तो पहुँच जाते हैं ना, माता रानी के दर्शन करेंगे। आप यही चाहते हो ना कि संजू और नीति का ब्याह ना हो, तो ठीक है नहीं होगा, लेकिन उसकी जगह हम लोग परी और संजू का ब्याह करवा देंगे, उत्थे तो कैसा रहेगा? ये तो ठीक है ना,
अब माता रानी के दरबार आए हैं तो कुछ तो शुभ होना ही चाहिए ना। उनके दर्शन भी कर लेंगे और इनका ब्याह भी हो जाएगा। जाए जी आप भी ना, मैं संजू को सरप्राइज देना चाह रही थी लेकिन आपने ना सारा सरप्राइज खराब कर दिया। आपने बात ही ऐसी कर दी, बताना पड़ा ना मुझे। और वैसे भी प्रजा जी, मैंने संजू और परी की आंखों में ना एक दूसरे के लिए बहुत प्यार देखा है, इसलिए अब हम संजू और परी का ब्याह ही कराएंगे दोबारा। अब हम लोग ना जल्दी से वहाँ आते हैं, अब बातें बाद में करना। बाय। अरे सुनो तो, एक मिनट। फोन काट दिया। ताई जी, ये मम्मी जी का आइडिया तो बहुत अच्छा है। परी और संजू की एक बार फिर से शादी हो जाएगी, इससे ज्यादा खुशी की बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती ना ताई जी। पता नहीं, अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्यों होया पुत्र? आई थिंक कुछ बुरा होने वाला है, हमें यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। अब इसको कौन सी माता रानी ने आके बता दिया कि कुछ बुरा होने वाला है? राजीव, अचानक क्या हो गया? परी, बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। मतलब क्या लग रहा है तुम्हें? ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे दूर जा रही हो। मैंने तुम्हें कहा ना, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा यही रहूंगी तुम्हारे पास। तुम्हारे कुछ नहीं होगा। तैनु ए तो एहसास हो गया कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन काश माता रानी तैनु बता पाती कि आज तेरी परी मरने वाली है, इसलिए तुझे अजीब सा लग रहा है। संजू पुत्र, बहुत बार ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कुछ बुरा ही हो। चल चल चल, गाड़ी ड्राइव कर, देर हो रही है, आजा आजा। चल अच्छा परी, आजा आजा। अब क्यों हुआ? माँ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे रब्बा, एक सेकंड में चेक करता हूँ। दुकान के पीछे मिल मुझसे। अरे यहाँ कहाँ जा रही है, हमें यहाँ जाना है ना। मम्मी जी का मैसेज आया बेबे, उन्होंने दुकान के पीछे मिलने के लिए बुलाया है। आई थिंक वो सीरियस मैटर है। संजू, मैनु ना थोड़ी भूख लग रही है, मैं जरा दुकान से कुछ लेके आती हूँ, तब तक तू देख हाँ क्या हुआ है गाड़ी में। मम्मी जी क्या हुआ? पत्थर, मैनु ना बहुत बड़ी मुसीबत आती दिख रही है। ओ मम्मी जी, इतनी सी बात, मुसीबत आएगी तो उसे फेस कर लेंगे। पुत्र तो सिर्फ बातें मत कर, तैनु संजू से शादी करनी है कि नहीं करनी, ये सिर्फ बातें करती रहेगी। ये आप क्या बोल रहे हो, संजू से शादी करने के लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ ना। तो फिर मुद्दे की बात सुन, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, जैसे तैनु मौका मिले ना परी नु खत्म कर दे। सानी पा।